नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि 2021 में किस तरह के मेन मेन फ्रॉड है जिनसे मैक्सिमम लोग परेशान हुए हैं। और ये मैंने नहीं, एक्चुअली RBI ने कंपाइल करी हुई है एक PDF जो मुझे मिला था, तो मैंने सोचा उसी पर मैं एक वीडियो बना दूं ताकि आप लोगों को अवेयरनेस हो सके। अगर आप मेरा पूरा वीडियो देखेंगे तो मैं 100% कह सकता हूँ आप अपने साथ भविष्य में होने वाले किसी भी बैंकिंग फ्रॉड से अपने आप को बचा पाएंगे। आइए हम एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले फिशिंग लिंक। फिशिंग लिंक का मतलब ये होता है कि आपके पास किसी ने व्हाट्सएप पर मैसेज किया, SMS आया और आपको कोई ऐसा लिंक मिला जिस पर वो क्लिक करने को बोल रहा है। तो होता क्या है, जनरली इस तरह के लिंक हैकर्स बेचते हैं और जो कि आपको अच्छी खासी प्रॉब्लम में डाल सकते हैं। इनसे बचने का ये तरीका है कि आप किसी भी लिंक पर क्लिक ना करें जो आपको अननोन सोर्स से आया हो, और कोई भी आपको SMS या व्हाट्सएप पर मैसेज सस्पिशियस लगता है उसको तुरंत डिलीट कर दें ताकि आप उसको दोबारा गलती से भी एक्सेस नहीं कर पाएंगे। अब आता है फिशिंग कॉल्स। कई बार आपके पास कॉल्स आते हैं कि आपके साथ फ्रॉड हो रहा है, आप तुरंत अपनी पर्सनल डिटेल्स शेयर करें, आपका ATM हम ब्लॉक कर देंगे। तो इस तरह का कोई भी कॉल आए आपके पास, आप उसका रिस्पॉन्स ना करें। अगर आपको डाउट लगता है आप तुरंत अपनी बैंक की ब्रांच में जाएं या अपने कस्टमर केयर पे कॉल करके पता कर लें कि आपका अकाउंट बिल्कुल सही है या नहीं। किसी भी अननोन फ़ोन कॉल पर किसी भी तरह की कोई पर्सनल डिटेल्स आप शेयर ना करें। ऑनलाइन सेलिंग प्लेटफॉर्म। कई बार क्या रहता है कि हम ऑनलाइन सेलिंग प्लेटफॉर्म के चक्कर में आ जाते हैं। जैसे कई बार कई ऐसे फ्रॉड हो चुके हैं कि आपने OLX पर कुछ बेचने की कोशिश करी, वहाँ से किसी ने आपको लिंक भेजा, आपने लिंक पर क्लिक किया और आपका सारा बैलेंस ख़त्म। हमेशा याद रखिए, अगर आपको किसी से पैसा मंगवाना है तो आपको अपना पिन शेयर नहीं करना, सिर्फ UPI ID आप शेयर करके अपना पैसा मंगा सकते हैं। इसके अलावा आपको किसी तरह की कोई जानकारी शेयर नहीं करनी और किसी भी अनऑथेंटिकेट साइट पर आपको कोई भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन नहीं करना। अनवेरीफाइड मोबाइल ऐप। कई बार क्या होता है कि आपके पास कोई लिंक आता है, APK फाइल आती है और आप उसको डाउनलोड कर लेते हैं और इंस्टॉल कर लेते हैं, ऐसा बिल्कुल ना करें। आप हमेशा गूगल प्ले स्टोर या एप्पल ऐप स्टोर पर जो ऐप्स है उन्हीं को डाउनलोड करें। जो अननोन सोर्स है या इधर उधर से आई हुई ऐप्स है उनको बिल्कुल भी डाउनलोड आप ना करें। बात आती है ATM कार्ड स्कीमिंग। आजकल ये भी काफ़ी चला है कि आप ATM पर ट्रांजेक्शन करने जाते हैं और कोई किसी तरह से कोई आपकी कार्ड की डिटेल्स एक्सचेंज कर लेता है। तो इससे बचने के लिए क्या करें कि आप जब पिन डालें तो अपने हाथ को दबा के रखें ताकि हाथ के नीचे पिन डालें ताकि कोई पता ना लगा सके। और दूसरा सबसे अच्छा तरीका है कार्डलेस विड्रॉल करें। जैसे कि योनो कैश से आप कार्डलेस विड्रॉल कर सकते हैं, HDFC, ICICI बैंक सबकी ऐपों में यू फंक्शनलिटी है जिससे आपको कार्ड में मशीन में एंटर नहीं करना, सिर्फ कुछ डिटेल्स एंटर करके आप कार्डलेस कैश विड्रॉल कर सकते हैं। किसी भी स्क्रीन शेयरिंग ऐप को आप अपने मोबाइल में इंस्टॉल ना करें। जनरली आजकल बहुत चल रहा है ये फ्रॉड, स्क्रीनिंग ऐप शेयर काफ़ी, जैसे टीम व्यूअर्स हो गया, जूम हो गया, स्काइप हो गया, MS Team हो गया, ये सारी ऐप अगर आपको ज़रूरत नहीं है तो इनको इंस्टॉल ना करें। ये ऐप्स फ्रॉड नहीं है लेकिन इनके थ्रू काफ़ी सारे फ्रॉड्स होते हैं। अब बात आती है सिम स्वैपिंग और क्लोनिंग। आजकल क्या रहता है कि कई लोग अपनी सिम की डिटेल्स शेयर कर देते हैं जिससे उनकी सिम की क्लोनिंग हो जाती है। तो अपनी सिम की डिटेल्स किसी के साथ शेयर ना करें। और कई बार यदि आपका नेटवर्क काफ़ी टाइम तक ना आए तो तुरंत अपने नेटवर्क प्रोवाइडर से संपर्क करें और उनसे कन्फर्म करें कि आपकी कोई दूसरी डुप्लीकेट सिम तो जारी नहीं करी गई है। अब बात आता है फेक सर्च रिजल्ट। कई बार क्या रहता है कि हम किसी प्रॉब्लम में आ जाते हैं तो हम गूगल पे सर्च करते हैं कि कस्टमर केयर नंबर ऑफ बैंक ऑफ इंडिया क्या है। तो इस तरह कभी आप सर्च करें तो कई बार क्या रहता है कि इस तरह के रिजल्ट्स में कंप्रोमाइज़ हो जाते हैं। कई जो फर्जी लोग हैं वो अपने नंबर ऊपर कर देते हैं क्योंकि पे करके एड्स में पे करके। तो उस तरह से आप बचें, आप सिर्फ पहले ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं, जिस भी कंपनी से आपको प्रॉब्लम है उस ऑफिशियल वेबसाइट पर देखें कॉन्टैक्ट डिटेल्स में कि उसकी कस्टमर केयर की क्या नंबर है। अब बात करते हैं स्कैन थ्रू QR कोड। आजकल क्या है कि हम UPI से पेमेंट करते हैं तो QR कोड हम कई बार स्कैन करते रहते हैं। तो किसी भी अनवेरीफाइड सोर्स से आप QR कोड को स्कैन ना करें, उससे आप काफ़ी हद तक स्कैम से बचे रहेंगे। आजकल क्या है, लोग दोस्त फ्रेंड्स सोशल मीडिया पर बहुत सारे फ्रेंड्स बना लेते हैं, लोगों को डेटिंग करने का शौक है। तो इस तरीके से भी आप किसी भी स्ट्रेंजर से सोशल मीडिया पर बात ना करें।
और अगर आप किसी स्ट्रेंजर से बात कर रहे हैं तो अपनी पर्सनल डिटेल्स और बैंकिंग की डिटेल्स बिल्कुल भी शेयर ना करें उसके साथ, क्योंकि काफ़ी लोग इस तरह के उसमें हनी ट्रैप में फंस जाते हैं और वो काफ़ी नुकसान कर लेते हैं अपना। जूस जैकिंग, आजकल क्या हो गया कि मोबाइल की ज़रूरत हर किसी को होती है। आप कहीं भी टूर ट्रेवल्स पे जाते हैं, आप एयरपोर्ट पर गए, बस स्टैंड पर गए, और आप क्या करते हैं मोबाइल चार्जिंग पे लगा देते हैं। तो इसमें क्या होता है, कई बार जो प्लग रहता है वो ऑलरेडी कंप्रोमाइज़ हुआ रहता है और आपका सारा डेटा कोई और चुरा सकता है। कभी भी अपने मोबाइल को अननोन सोर्स, अनवेरीफाइड सोर्स पर कभी भी चार्जिंग के लिए ना लगाएं। आप अपने हमेशा अपने साथ पावर बैंक लेकर चलें कभी टूर पर जाते हैं तो, ताकि आप इस तरह के फ्रॉड से बच पाएंगे। लॉटरी फ्रॉड पहले बहुत चलता था, लॉटरी फ्रॉड आजकल थोड़ा कम हुआ है, कि कई बार क्या रहता है जैकपॉट लग गया, आपने 50 करोड़ की लॉटरी जीत गई, जीत ली, हाफ 1 लाख रुपये जमा कर दीजिए, 50,000 जमा कर दीजिए, इस चक्कर में आके काफ़ी लोगों ने अपना नुकसान किया है। तो आप विश्वास करें कि आप कभी 1 रुपया भी फालतू में नहीं जीतते। तो कभी इस तरह के मैसेज आए कि आप लॉटरी जीत गए हो, ये जीत गए हो, उसको इग्नोर कर दें, और कभी भी किसी तरह का 1 रुपये का भी पेमेंट ना करें, क्योंकि जनरली लोगों के साथ 1 रुपये का फ्रॉड होते ही होते फिर लाखों का फ्रॉड हो जाता है। ऑनलाइन जॉब फ्रॉड, आजकल क्या कई लोगों को जॉब ऑफर हो जाती है कि आपको फलाना फलाना कंपनी में इतना पैकेज मिल रहा है, इतना पैकेज मिल रहा है, और उसके चक्कर में वो लोग पैसे ऐंठना शुरू कर देते हैं। तो आप ये मान के चलिए कोई भी, अगर जब तक आपने अप्लाई नहीं किया किसी बड़ी कंपनी में, कोई आपको ऑफर नहीं कर सकता, सबसे पहली बात तो ये। और दूसरी बात कि आपको खुद को अपनी स्किल्स और कैपेबिलिटीज़ और क्वालिफिकेशंस पता है, तो आपको खुद को पता होना चाहिए कि मुझे कितने की जॉब मिल सकती है। आपको अचानक ही कोई क्वालिफिकेशन नहीं है और आपको कोई 50 लाख का जॉब ऑफर कर नहीं कर सकता है, तो इस तरह आप खुद भी अपनी समझदारी और विवेक से बच सकते हैं। फ्रेंड्स, मेरी टीम के साथ जुड़िए, टीम मुरारी घर का आप हिस्सा बनिए। मैं आपको कुछ ना कुछ ऐसी ट्रिक्स बताता रहूँगा जिससे आप मेहनत से, ईमानदारी से पैसा कमा पाएंगे। आप, मेरा ऊपर का व्हाट्सअप नंबर है, आप इस पर मुझे मैसेज करें व्हाट्सअप पर, और आप मेरे व्हाट्सअप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप से जुड़े रहें, आपको कुछ ना कुछ फ़ायदा ज़रूर होगा। तो फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ मेरा वीडियो आप अपने व्हाट्सअप ग्रुप पर शेयर करें और मेरा चैनल सब्सक्राइब करवा के रखें बैंकिंग रिलेटेड इन्फॉर्मेशन के लिए। धन्यवाद फ्रेंड्स।